तो गाइस अभी ना शीरो को पड़ी हुई है डांट, एंड शीरो जब इसको डांट पड़ती है डाइनिंग टेबल के नीचे छुप जाता है। जले पे नमक छिड़कने के लिए एक और चीज है कि आज मेरा रिजल्ट भी आप लोग को पता चलने वाला है। टेंथ में मेरे आए थे पास फेल और परसेंटेज कुछ मायने नहीं होती भाई। Hey guys, good morning. Welcome back to a new vlog. क्या हाल चाल है आप लोगों को? सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो भाई अभी तुम्हारा भाई हो चुका है एकदम मस्त रेडी, एंड थोड़ी देर पहले गया था बाल कटवाने के लिए, छोटे छोटे करवा दिए मस्त एकदम। देख लो आप लोगों ने बताओ कैसी लग रही है कटिंग। बाकी फिलहाल आज का व्लॉग होने वाला है काफी ज्यादा मजेदार, क्योंकि आज सन्नी का रिजल्ट भी एक तो आपको बताने वाले हम लोग, एंड अभी तो फिलहाल मैं रेडी हो गया। एक जगह मेरे को जाना था कुछ चीजें लेने के लिए, बट मैं सोच रहा हूँ पहले जिम जाऊँ या फिर वहाँ जाऊँ, जल्दी डिसाइड करते हैं, क्योंकि जिम का भी मेरा टाइम हो चुका है एंड कुछ खाना भी नहीं खाया। या तो खाना खा के पहले कुछ चीज़ें लेने जाता हूँ, क्योंकि खाना डाइजेस्ट भी हो जाए ताकि अच्छे तरीके से, ताकि मैं जिम में जाकर एक्सरसाइज भी कर पाऊँ। लोगों को देखो वहाँ से मेरी बातें सुन रहा है एकदम, देखो कैसे बन रहा है। अभी सो रहा था बेचारा, अभी मेरी बातें सुन रहा है कि मैं ब्लॉग कर रहा हूँ, देख रहा है गौर से एकदम कि क्या कर रहा है ये, क्या नहीं कर रहा। ये देखो शीरो, शीरो देखो पूछ ही ला रहा है, शीशी मारू शीरो शीरो शीरो। देखो इसके गाल, ये इसके गाल, ये इसका सर, सो जा। Hey guys, तो अभी तुम्हारा भाई आ चुका है जिम से वापस। अभी हम लोग जा रहे हैं एक जगह पे, कुछ चीजें लेनी थी मेरे को शर्ट पैंट काफी टाइम से, तो चलते हैं देखते हैं क्या हमें वो शर्ट पैंट जो मुझे चाहिए मिलती है या फिर नहीं। चलो चलिए गाइस चलते हैं। टन टना टन 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 टारा, चलो जी करते हैं इसको स्टार्ट। तो गाइस अभी टाइम है जिम जाने का, एंड व्लॉग अभी मैं कर रहा हूँ बिकॉज भैया अभी जिम में है, एंड मेरी शक्ल तुम देख ही सकते हो। मैंने पता नहीं क्यों गाइस अपनी पूरे फेशियल हेयर्स को उड़ा दिया, एंड मेरे बाल देखो भाई, मैं मशरूम लग रहा हूँ, पूरा मशरूम लग रहा हूँ। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना भाई अभी, कसम से मैं अपने बाल कटवाने का खुद काटने वाला हूँ भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, भुश भुश करने वाला हूँ, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है अपने बालों पर। एंड अगर तुम यहाँ पे देखोगी, यहाँ पर हमारे पास शीशी मारू है जो कि सो रहा है भाई, इसको नींद आ रही है, पूरा का पूरा सोया हुआ है। और इसको सोने का तरीका तो देखो भाई, ये अबे जो पता नहीं अजीब तरह से सोता है भाई, कभी ये पूरा शरीर ऐसे करके सोएगा, कभी बिल्कुल ऐसे गोल बन के सोएगा, अभी देखो बिल्कुल गोल बन के सोया हुआ है भाई, चुपचाप सोया हुआ है भाई मजे से। आज ना गाइस मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने इसकी पूंछ पे पैर रख दिया, और उसके बाद से तो भाई ये मेरे को खाने जो पड़ा ना भाई, उफ पागल हो गया था ये, ऊपर से बुखड़ तो है ही है, तो खाना तो और को खाने देता नहीं है। मैं सोच रहा हूँ ना गाइस इसको अपने साथ नीचे लेके जाते हैं, गाड़ी में इसको थोड़ा घुमाते हैं परे, मतलब गाइस अभी मैं जिम जाने वाला हूँ तो मैं सोच रहा हूँ इसको भी साथ में ले जाता हूँ, एंड भैया इसको वापस ले आएगा, मैं इसको नीचे लेके जाऊँगा, समझ रहे हो ना? तो जब ये उठ जाएगा तो इसको लेके जाएंगे, बाकी अभी थोड़ा टाइम है भैया के लिए, एंड फिर चलते हैं, एंड तब तक मैं अपने बालों का कुछ देखता हूँ इसको ठीक करने का। बस एंड भाई जले पे नमक छिड़कने के लिए एक और चीज़ है कि आज मेरा रिजल्ट भी आप लोग को पता चलने वाला है। यार क्या बोलूं भाई, मतलब चलो कोई नहीं, देखते हैं क्या, मतलब मेरे को तो पता है क्या है रिजल्ट। शीशु मारू मैं क्या करूं मैं शीशु मारू। चलो गाइस देखते हैं। हे गाइस क्या हाल चाल है आप लोगों के, डे टू है ये, एंड डे वन पे मैंने थोड़ा बहुत व्लॉग किया था, एंड आज हमारा जो व्लॉग है वो गया नहीं, बट मैंने प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट व्लॉग में हम लोग पक्का जो है सनी का रिजल्ट बता देंगे। मैंने 5000 कमेंट्स का एम किया था, एंडिंग बोला था, लेकिन फिर भी 4000 कमेंट्स कर दिया आप लोगों ने इतने जल्दी। मैं रुको अभी देख लेता हूँ मैं कितने व्लॉग पे, आज तो ऐसे व्लॉग आया नहीं है, बट 4000 से ज्यादा कमेंट्स हो चुके हैं अभी व्लॉग पे। अभी तो फिलहाल सनी गया है जिम, एंड जिम से जैसे ही आएगा, मैं तो जिम से आ गया था, तो फिर सनी का रिजल्ट भी आपको बताते हैं, एंड फिर आपको सनी का रिजल्ट बता देंगे। बाकी फिलहाल मैं भी बाहर जाऊँ, क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा भूख लग रही है, एंड बाहर खाने का मन कर रहा है, तो अभी सब लोग दोस्त लोग जा रहे हैं तो सबके साथ चलते हैं। तो गाइस अभी ना शीरो को पड़ी हुई है डांट, एंड शीरो जब इसको डांट पड़ती है डाइनिंग टेबल के नीचे छुप जाता है, अभी बाहर नहीं निकल पा रहा, अभी अमित आया था तो ये बाहर निकल पा रहा है, इसको पता है कि मेरे को डांट पड़ेगी, अब सन्नी आने वाला है अभी एकदम से, तो इसका रिएक्शन देखते हैं, मम्मी इसको डांटेंगे और देखते हैं सन्नी के पास जाता है कि नहीं, क्योंकि वैसे तो जाता ही जाता है, सन्नी को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, तो आज देखते हैं क्या सन्नी को देख के खुश होगा, मतलब जाएगा उधर या नहीं जाएगा। गाइस अभी सन्नी तो नहीं आ रहा है, लेकिन पापा आ रहे हैं, देखते हैं गाइस अभी क्या जाएगा या नहीं। देखो वो गाइस शीरो डर गया, मम्मी ने डांट दिया शीरो को, ये देखो ये देखो अभी इसकी हिम्मत नहीं हो रही, छुप रहा है, ये देखो छुप गया फिर से, ये देखो कितना डरता है, डरता भी है गाइस, ये देखो खुश हो रहा है लेकिन पूछ हिला रहा है, लेकिन
बाहर भी आना, लेकिन डर गया मम्मी को देख के। अभी गाइज मैं जिम से वापस आ चुका हूँ एंड अभी ना गाइज मैंने शीरो को वॉशरूम में बंद करके रखा हुआ है, बिकॉज भाई ये ना बहुत ज्यादा शरारते करता है, तो इसको ना बस एक ही दंड मिलता है कि इसको वॉशरूम में बंद कर दिया जाता है। तो अभी ना इसका रिएक्शन देखते हैं जब मैं इसको वॉशरूम से बाहर खोलूंगा, देखते क्या करता है ये। ओके गाइज, नहीं नहीं इसको बाहर डांटते, जरा देखते क्या कर रहा है ये। भाई कहाँ है, ओए भाई इसको देखो यहाँ पे। ओ भाई क्या कर रहा था शीरो, तू शीरो कहाँ जा रहा है? शीशु क्या क्या कर रहा था तू? देखो भाई मेरे से दूर जा रहा है ये, क्यों जा रहा है भाई तू मेरे से दूर है, है? तू गंदी हरकतें करेगा तो तेरे साथ यही होगा भाई। ओ इधर जा, तेरे को इसको आइस बिस्किट देने पड़ेगा तभी ये पूरा। देखो जैसे मैं बिस्किट के लिए जा रहा हूँ वैसे ये खुश हो गया। रुक जा रुक जा, एक बिस्किट ले लेते हैं, चल वेट सिट। भाई समझदार तो है तू, बहुत ज्यादा समझदार है, बहुत ज्यादा समझदार है भाई। अब गाइस ये ना गुस्सा हो गया बहुत ज्यादा, इसको लग रहा है कि इसने मेरे साथ धोखेबाजी की है। बट गाइस अभी मजा आने वाला, मैंने सोच रहा हूँ गाइस ना कि रुक जाओ पहले, मैंने स्क्रीन वो खराब कर दी थोड़ी सी। हाँ मैं क्या सोच रहा हूँ गाइस कि अभी अपने बाल ना खुद ही काट देता हूँ, बिकॉज मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ मेरे बालों की वजह से, मेरे को बहुत मशरूम लग रहा हूँ पूरा गाइस में। तो अपने बाल खुद काटने वाले हैं जैसे मैंने अपने मुंह के बाल काटे, बहुत बुरा लग रहा हूँ मैं, मेरे को पता है, बट कोई बात नहीं। एंड अभी थोड़ी देर में रिजल्ट भी बात करने वाले हैं क्या है। और शीरो को देखो भाई, ये अभी भी घूम रहा है, ढूंढ रहा है कहाँ पे है खाने को, और खाने को चाहिए इसको। तो गाइस अब टाइम आ चुका है रिजल्ट बताने का सन्नी का, इतने दिनों से आपने भी वेट किया, मम्मी को भी नहीं पता है रिजल्ट, रिजल्ट आ चुका है लेकिन सन्नी को और मेरे को पता है। मम्मी को इसलिए भी नहीं बताया क्योंकि व्लॉग में भी नहीं बताया था, हमने सोचा कि एक ही दिन व्लॉग में भी पूरा बताएंगे और मम्मी को बताएंगे, तो मम्मी व्लॉग देख लेती तो फायदा ही क्या रहता रिजल्ट बताने का मम्मी के सामने। तू बता पहले अपना रिजल्ट भाई। पहले तो मैं बता दूं, मैंने आपको बताया था कि मैं अपने टेंथ के आपको बताऊंगा, मेरे को प्लस टू के भी टेंथ में मेरे आए थे 55%, टेंथ में आए थे 55%, कितने आए थे 55% आए थे ना, 55% पास। ट्वेल्थ में भी आए थे मेरे 60-65%, इतने परसेंट आए थे उसमें मैं पास हो गया था। देखो गाइस सुनो, पास फेल और परसेंटेज कुछ मायने नहीं होती भाई। देखो ये इसके इतने कमाए थे, फिर भी देखो भाई कितने बड़ी वो कॉम्प्लेक्स की कंपनी आए थे, अच्छे आए थे भाई मेरे 55% पास। क्यों भाई बच्चे होते हैं मम्मी 55, अरे भाई फिर भी कितना बड़ा आदमी बना हुआ ये। अब मैं बताता हूँ एक मिनट सन्नी, इसके हाथ हो गए ना, अब तेरे तो अभी देखने जरा क्या गंद पाया हुआ तेने। तो गाइस फिलहाल सन्नी का रिजल्ट मेरे पास है एंड सन्नी हुआ है फेल, दो पेपर में फेल हुआ है, दो एग्जाम में फेल हुआ है और फेल हुआ है टेंथ में। तभी तो ये आजकल स्कूल नहीं जा रहा, मैं सोच भी रही थी मैं ये स्कूल क्यों स्कूल नहीं जा रहा था गाइस 11th क्लास के लिए। क्या हुआ? तभी ये स्कूल नहीं जा रहा था भाई, सुनो मेरी बात सुनो, दो एग्जाम में फेल है गाइस ये है, एक तो साइंस में फेल है और एक सोशल साइंस में फेल है। सोशल साइंस और साइंस में फेल भाई, सुनो सोशल साइंस में तो भाई वो कांड हुआ था उसकी वजह से मैं पेपर ही नहीं दे पाया, सीधी सी बात। सोशल साइंस में भी फेल है और साइंस में भी फेल। साइंस में तो मेरे को पता है मैं क्यों फेल हूँ क्योंकि उसका कुछ सीन पड़ा। सोशल साइंस में पता है क्यों फेल हुआ था? वो फोन पकड़ा था ना मेरे, उसमें फेल तो हो गया ना भाई। तो मम्मी आपको पता है मेरी गलती नहीं है भाई उसमें, फेल तो हो गया, उसके आगे पेपर ही नहीं दे पाया। मेरे को ये था कि मैं तो साला फंस गया, मेरे को ये वो चीटिंग के लिए फंसा देगा मेरे को, तो भाई तब मैं पेपर अगर वो नहीं होता भाई पास था ना फिर मैं पास था। शर्म ये तो साइंस और सोशल साइंस भाई क्या हो गया? कंपार्टमेंट है, कंपार्टमेंट दे देंगे। ये बताते हैं क्या करना है यार, तो मम्मी आपको तो पूरा साल तो पढ़ाना था मैंने, आपको पता नहीं भाई पढ़ा नहीं था तो पढ़ा क्यों नहीं था? एक मिनट चुप रहा, सनी क्यों नहीं पढ़ा था? तेरे को ट्यूशन लगाने के लिए मैंने बोला था, ट्यूशन भी नहीं लगाई, स्कूल नहीं तू जा सकता, घर में ट्यूशन भाई जा तो रहा हूँ। सनी मुंह बंद कर ले, अभी मुंह बंद कर ले, बोला था ना मैं ट्यूशन चला जा है, तो फिर ट्यूशन क्यों नहीं लगाई तेने? क्यों नहीं लगाई भाई? स्कूल तो चलो गया नहीं तू, और ट्यूशन क्यों नहीं लगाई? अरे भाई क्यों नीचे का इसको मजाक है, शीरो को बुलाओ भाई, शीरो को बुलाओ। ये पेपर रिजल्ट मजाक है सही गाइस, आप लोग इसको कमेंट में थोड़ा बोलो कि पढ़ ले भाई, इसको बोलता था आपको पता है ब्लॉग में, मैं इसको बोलता था कितना बसंडा है, इतना बड़ा हो चुका है, मोटा शरीर है और पढ़ाई नहीं कर रहा है, इसमें मजाक की बात नहीं है, जाता है बॉक्सिंग पढ़ाई बहुत जरूरी है। सुनो भाई ठीक है, जब मैं प्रोफेशनल बॉक्सर बनूंगा ना तो बंदे मेरे को ये थोड़ा बोले कि टेंथ में कितने मार्क्स आए थे, बोलेंगे पढ़ाई बाहर में जाए, पढ़ाई बाहर में जाए तब तो दुनिया सब, तब
पूरा साल मेरा कॉन्ट्रैक्ट था यू लाइफ का लाइफ करना डेली वीडियो डेली लाइव डेली जिम इसको बोल दो पढ़ लेगा भाई टेंथ के कंपार्टमेंट है। गाइस सुनो मैं सच बताता हूँ कंपार्टमेंट तब कितने पेपरों में फेल है ये कंपार्टमेंट तब होती है जब दो एक दो पेपर में फेल होगा। अब हाँ अगर होगा ये ज्यादा तब कंपार्टमेंट थोड़ी तब सारे पे अब टेंथ में चला जाए इस वाली बैठ जा रहा स्कूल इस बार बाहर में जाए स्कूल यूज़े बेटा सपोर्ट आई था हाँ वो भी सही बाहर से क्या बोला तेरे अब क्या बोल चल तेरे को मारूंगी तो क्या बोला तेरे बाहर में जाए भाई ओके तो गाइस अभी मार मूर मैंने खा ली है और अब भाई मैं अपनी तरफ की स्टाइल की स्टोरी बता रहा हूँ ठीक है। पहली मैं वो लगा देता हूँ डिस्क्लेमर लगा देता हूँ मेरे तरह मत बनना भाई प्लीज कोई बंदा फेल मत होना ठीक है। देखो यार सिंपल सी बात है पिछले साल मैं पूरा पढ़ा नहीं पूरे साल मैंने पूरी पढ़ाई नहीं की थी ना मैंने पेपरों के टाइम पे पढ़ाई की थी मैं झूठ नहीं मेरे को खुद भी यकीन हो रहा है पास कैसे हो गया दोनों पे मतलब पूरे टाइम मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की थी एंड अब मैंने क्यों नहीं की थी गलती मेरी है ठीक है। मैं एक्सक्यूज़ नहीं देने वाला जो कि अलग बात है कि मैंने पूरा साल बहुत काम भी किया था बट हाँ मैं एक्सक्यूज़ नहीं देना चाहता बट हाँ मेरी गलती है मैंने पढ़ाई नहीं की थी एंड दूसरी बात कहूँ मैं पढ़ाई को उतना इंपॉर्टेंट नहीं मानता जो कि सच्चाई है मैं बोलता हूँ पढ़ाई इंपॉर्टेंट है बट तब जब आप लोग कुछ पढ़ाई का ही काम करना चाहते हो मैं पढ़ाई का काम नहीं करना चाहता मेरे को एक बॉक्सर बनना है जो कि लाइक मेरी वो है देखो मैं मेरे को पता है मैं बॉक्सर बनूंगा एंड मैं प्रोफेशनल बॉक्सर बनना चाहता हूँ बट मेरी गलती है मैं मानता हूँ मेरे को माफ़ी मांग लेनी चाहिए आप सभी लोगों से मैं फेल हुआ बट मैं करूंगा पढ़ाई और आगे करूंगा बट मेरे हिसाब से मैं तो होम स्कूलिंग ही करूंगा स्कूल मैंने मेरा मन भी नहीं जाने का स्कूल अब वापस बिकॉज मेरे को यार अब ट्रेनिंग में जब बहुत टाइम लग जाता है मेरे को सुबह में ट्रेनिंग के लिए जाता हूँ तो उसकी वजह से मैं स्कूल भी नहीं जा पाऊंगा ज़्यादा मेरे हिसाब से मेरे को तो ऐसा लग रहा है तो मैं स्कूल तो नहीं जाऊँगा मेरे हिसाब से बट पढ़ाई मैं करूँगा आगे एंड देखते हैं इस साल तो कुछ गलत सीन ही हो गया मेरे को भाई बहुत पहले से पता चल गया था ये मैंने भैया को भी थोड़ा लेट ही बताया एंड मम्मी को तो मैंने बताया नहीं था पर चलो कोई बात नहीं गाइस थोड़ी बहुत मार पड़ी ज़्यादा मारनी पड़ी बिकॉज देखो मम्मी को भी पता ही था ये इस साल यही होने वाला है मैंने मम्मी को पहले ही बोला था कि मम्मी मेरे को नहीं लगता मैं इस साल पास हो पाऊंगा बिकॉज मेरे पेपर इतने अच्छे गए नहीं है एंड एक पेपर में यार वो वाला सीन भी होगा था हमारा अगर आप लोगों को नहीं पता है जिसमें मेरे को फ़ोन के साथ पकड़ लिया था और मेरे ऊपर एलिगेशन लगे थे कि मैं चीटिंग कर रहा हूँ तो उस वाले पेपर में फेल हो गया था। चलो वो तो भाई मेरी गलती है मैं फ़ोन लेके गया था बट मैं चीटिंग नहीं करता भाई दिवे मैं चीटिंग करता भी नहीं हूँ इस तरह से बिल्कुल भी नहीं एंड चलो गाइस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं सॉरी इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं मेरे हिसाब से मेरा शायद ये मेरी एंडिंग होगी या भैया खुद एंडिंग देगा पता नहीं शायद भैया एंडिंग देगा बट चलो यार क्या कर सकते हैं मेरे को मैं पहली बार फिर से बोलना चाहता हूँ प्लीज़ पढ़ाई को सीरियस लो आप सभी लोग पढ़ो अपनी सारी पढ़ाई कंप्लीट करो एंड मैं तो कर नहीं पाऊंगा शायद से नहीं मैं करूंगा भाई करूंगा पक्का करूंगा मैं सारी पढ़ाई करूंगा मैं यार पर मेरे को यार अपनी शक्ल देख के बहुत गुस्सा आ रहा है यार मेरी शक्ल देखो कितनी गलती हो रखी है यार जी बाय द वे गाइस कल से मैं भी व्लॉग करूंगा थोड़ा बहुत कल सुबह मैं जिम जाऊंगा तो कल सुबह उठते ही मैं व्लॉग करूंगा भैया से पहले शायद मैं व्लॉग स्टार्ट करूंगा तो आप लोगों से मैं मिलता हूँ सुबह